कहाँ चोट लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीट कोटली और मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आज मैं सीतापुर के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा गांवों में बाढ़ के जो हालात हैं उन पर रिपोर्ट करने के लिए निकला था। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का जो है दहशत पूरी तौर से सर चढ़ के बोल रही है। गाँव में पानी घुसना चालू हो गया है। अभी हम एक गाँव में थे, गाँव का नाम था कि लगभग 50 घर गाँव के अंदर थे और कई घर अपने हाथों से जो कहते हैं ना कि एक सपनों का घर जो बनाया गया था उसे हथौड़े से तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं तोड़े गए तो 1-2 दिन के अंदर वो जो घर हैं वो नदी में समा जाएंगे। पूरा कनरखी उधर पड़ता है, पूरा कनरखी के अंदर कई गांव पड़ते हैं और कनरखी रानीगंज भी इसमें चपेट में आता है और उधर चले जाइए हजारा साइड, ये सब इसी चपेट में आते हैं। सब पानी घर के लोगों के घर के अंदर तक चला जाता है पानी। जो गरीब लोग होते हैं उनको घर ज़्यादा पटवाए तो है नहीं, पानी कभी ज़्यादा तो कम छत के ऊपर या तो बंधा बनी है उसे वहाँ पर रहते हैं, जो गौरव जो जानवर जो लोग होते हैं वहाँ पर बांधते हैं वहीं पर रहते हैं। लगातार नदी बढ़ रही है। हाँ, नदी बढ़ रही है भैया, अब न रुक रही, क्योंकि देख रहे हैं जो सामने घर पे सामने अभी से नहीं आजू कान खबर जा भाई बोले मरे पे। अच्छा, जो हिसाब से नदी पानी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। वो हिसाब से नहीं, 2-4 दिन में सब पूरा सैलाब हो जी ना हो जी बिल्कुल तो ऊंचे भाग रहे हैं, ने कैसे मेहनत कमाई से बनावा गया और जाए रहा, अपने हाथ में तो जाए रहा, गंगा जी ले जाए रही। कई साल पहले बनवा रहा हूँ, मेहनत खेती बाड़ी कुछ नहीं है। खेती रहा है पहले? हाँ, 2 बीघा रहा, बहुत कटी हो। तो सरकार के द्वारा कोई मुआवजा नहीं कुछ नहीं, खेती के रुपये तो हम तो दिए थी नहीं। नदी जो बढ़ रही है तो डर नहीं लग रहा है? तो का करता हम था? सरकार कुछ नहीं कर पा रही करी। हम का कहां थी? कुछ नहीं, हम का के द्वारा अब तक कुछ करा गया है? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा, कुछ राहत सामग्री वगैरह कुछ नहीं। नदी का पानी कई दिन से बढ़ रहा है? तो लगातार जलस्तर कितने दिन से बढ़ रहा है। तो गांव के अंदर का माहौल है लगातार बढ़ रहे जलस्तर का देखते हुए? तो अब सर हम क्या कर सकते हैं, कोई अधिकारी जब नहीं आ रहा है या चिकन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कई साल से बंद है? 3-4 साल में सरकार कहीं पर कुछ नहीं दीज रहने के लिए? चाहे जगह जमीन खेती के पैसा मिला ना। बहुत से गांव में नदी कचना को काट रहा है, आबादी में कटाव हो रहा है, उधर हमारे तरफ कहीं कहीं पर कटान हो रहा है, जमका में थोड़ा बहुत कटान हो रहा है, लेकिन अभी शुरुआती दौर है जी। लेकिन जिस हिसाब से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जी, आने वाले दिनों में यहाँ बाढ़ बिगड़ा आने वाले दिन में तो सर नदी का बढ़ाव हो रहा है, तो अभी ऐसे है। अच्छा, हम तक ले देखे थे यहाँ पानी भी 4 फुट ऊंचे हो सकता है। गाँव में दहशत है। रामपुर जो सीतापुर जिला है, सीतापुर जिले का रामपुर ब्लॉक के लगभग 5 दर्जन से ज़्यादा गांव इस वक्त दहशत में है, क्योंकि लगातार जलस्तर हर रात बढ़ रहा है। बहुत से किसानों ने हमें
बताया है कि जो उनकी फसलें थी, जो उनके धान की खेती थी, वो जलमग्न हो गई हैं, लगभग नष्ट हो चुकी हैं। फसलें ये अब की बार ही नहीं है, लगभग 3 साल से लगातार जब भी ये बाढ़ का सीजन होता है, सिर्फ अगर बात करें तो गेहूं की फसल को छोड़कर इस जो नदी किनारे के रहने वाले किसान हैं वो कोई फसल नहीं कर पाते हैं। कई किसानों ने बताया, कई ग्रामीणों ने बताया, जब हम गांव में लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि लगातार जलस्तर तो बढ़ रहा है लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई राहत सामग्री या कोई अधिकारी गांव में सर्वे के लिए नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में निराशा है। और जलस्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर गाँव के अंदर जल भराव जैसी स्थिति होंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली और हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस खबर की।